तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो आपका टूल नॉमेनक्लेचर, या फिर आप इसे टूल सिग्नेचर भी कहते हो, ठीक है। उसके बाद सबसे पहले आपको ये जिस सीरीज में लिखा है सेवन एलिमेंट्स, ये टोटल कितने एलिमेंट्स होते हैं इसमें? सेवन। तो आप ये याद रखोगे, और ये सेवन एलिमेंट आपको सीरीज से ही याद रखने हैं। तो याद करने का तरीका क्या है कि आप RRC याद रखोगे, यानी सबसे पहले आपके दो रैक एंगल आएंगे, उसके बाद दो रिलीफ एंगल, फिर दो कटिंग एंगल, एंड देन लास्ट वाला जो एलिमेंट होता है वो आपका होता है नोज रेडियस। तो लास्ट वाला तो याद रहेगा, सबसे सेवेंथ एलिमेंट कौन सा होता है? नोज रेडियस। तो देखिए सबसे पहले आपका आएगा रैक एंगल, मैंने बताया। तो सबसे पहले क्या आता है? बैक रैक एंगल, एंड फिर सेकेंड नंबर पे साइड रैक एंगल। देन रिलीफ एंगल से सबसे पहले आपका आता है एंड रिलीफ एंगल, फिर साइड रिलीफ एंगल। उसके बाद आपका फिफ्थ में क्या आता है? एंड कटिंग एज एंगल एंड साइड कटिंग एज एंगल। फिर उसके बाद लास्ट एलिमेंट आपका नोज रेडियस होगा। तो आपने अगर याद, आप ऐसे भी कर सकते हो कि देखिए सेकेंड नंबर पे हमेशा आपका एस वाला टर्म आ रहा है, यानी जो साइड से स्टार्ट हो रहा है। तो आप याद रखोगे इस तरह से कि आप कैसे भी याद रखो, आपको टोटल सेवन एलिमेंट एक सीरीज वाइज में याद रखना है, ठीक है। तो आपको जिस तरीके से आप याद कर सको, आप डायरेक्ट याद कर सको तो डायरेक्ट याद करो, या फिर किसी ट्रिक से याद करना चाहते हो कि सेकेंड टर्म हमेशा एस से स्टार्ट होता है, तो इस तरह से भी आप याद कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद ये जो टूल आपका नॉमेनक्लेचर किया, वो किसने किया था? अमेरिकन स्टैंडर्ड एसोसिएशन सिस्टम के अकॉर्डिंग है। तो ये फुल फॉर्म भी आपसे कभी कभी पूछा जाता है, तो आप याद रखेंगे। उसके बाद अब हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं कि किस तरीके से आपके एग्जाम में इसका क्वेश्चन पूछते हैं। तो देखिए आपसे पूछा है, इन अमेरिकन स्टैंडर्ड एसोसिएशन सिस्टम द टूल नॉमेनक्लेचर इज 8 6 15 4 3 2 1, देन साइड कटिंग एज एंगल विल बी। तो इसमें साइड कटिंग एज एंगल क्या होगा? तो अगर आपको नंबर वाइज नहीं याद है तो फिर आप नहीं कर पाओगे। तो हम देख लेते हैं, सबसे पहला एंगल होता है आपका बैक वैक एंगल, देन साइड वैक एंगल। उसके बाद आपका होता है क्या? एंड रिलीफ एंगल, देन साइड रिलीफ एंगल, फिर एंड कटिंग एज। तो साइड कटिंग एज एंगल आपका कौन सा हो जाएगा? यानी टू। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? टू। तो इस तरीके से आपके क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछे जाते हैं। अब हम कुछ देखेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। सबसे पहली डेफिनेशन आपकी है कटिंग स्पीड। तो कटिंग स्पीड की क्या डेफिनेशन होती है? यानी 1 सेकेंड या 1 मिनट में जो टूल के द्वारा आपके जॉब पर जो चली गई डिस्टेंस होती है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कटिंग स्पीड बोलते हैं, ठीक है। अब उसके बाद कटिंग स्पीड का ये क्या वैल्यू होती है वो हम देख लेते हैं। तो देखिए यदि आपके जॉब का यानी वर्क पीस का डायमीटर डी है, और जो आपके वर्क पीस की जो स्पीड है वो एन है, तो कटिंग स्पीड का फॉर्मूला क्या हो जाता है? पाई डी एन अपॉन 60। इसके यूनिट क्या है? एमएम पर सेकेंड, यानी ये अभी एमएम पर सेकेंड है। अगर आप इसे मीटर में भी कन्वर्ट करना चाहते हो तो क्या करोगे? 1000 का डिवाइड कर दोगे, तो ये आपका मीटर पर सेकेंड में आ जाएगा। न्यूमेरिकल्स में आपको देखना होगा कि वैल्यू आपकी एमएम पर सेकेंड में है, तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे। लेकिन अगर आपका यूनिट मीटर पर सेकेंड में दे रखा है, या मीटर में सारी यूनिट्स हैं, तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे कटिंग स्पीड का, ठीक है। उसके बाद अब हम देख लेते हैं फीट। तो देखिए जॉब के एक राउंड में टूल द्वारा जॉब पर चली गई दूरी को क्या बोलते हैं? हम फीट बोलते हैं, और इसकी यूनिट एमएम पर रिवॉल्यूशन में होती है, ठीक है। उसके बाद डेप्थ ऑफ कट देख लेते हैं। तो डेप्थ ऑफ कट क्या होता है कि कटिंग के दौरान टूल के जॉब के अंदर जितनी गहराई तक टूल को प्रविष्ट करते हैं, उसी गहराई को हम डेप्थ ऑफ कट कहते हैं। तो ये थे कुछ आपके इंपॉर्टेंट टर्म्स, इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस आपकी। अब हम कुछ और चीज़ें देखते हैं जो आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं, तो चलिए देखते हैं। देखिए सबसे पहला आपका नोट है कि फेसिंग करने में जो कट की लंबाई होती है वो क्या लेंगे आप? डी बाई टू, यानी डायमीटर की हाफ होती है। उसके बाद हॉलो सेक्शन की बात की जाए तो आपका डी माइनस स्मॉल डी अपॉन टू हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपका नोज रेडियस, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर आप किसी भी सिंगल पॉइंट कटिंग टूल की नोज रेडियस को एक लिमिट तक बढ़ाते हैं, तो उसकी क्या होगी? टूल लाइफ बढ़ जाएगी, और जो आपका पावर कंजप्शन है वो भी बढ़ जाएगा, जिससे आपकी सरफेस फिनिशिंग भी क्या हो जाएगी? अच्छी मिलेगी आपको। लेकिन एक लिमिट के बाद अगर आप नोज रेडियस की वैल्यू बहुत ही ज़्यादा बढ़ा देते हो तो क्या होता है? देखिए नोज रेडियस का मान ज़्यादा बढ़ जाने पर टूल व जॉब के बीच क्या होता है? वाइब्रेशन होने लगता है, जिससे चट चट की आवाज़ आने लगती है, और इसे हम क्या बोलते हैं? चैटरिंग बोलते हैं, आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है।
अगर आप एक लिमिट से ज़्यादा नोज रेडियस की वैल्यू को बढ़ा दोगे तो उससे क्या होगा, उसका आपका उल्टा इफेक्ट होगा, आपकी टूल लाइफ कम हो जाएगी और आपकी सरफेस फिनिश भी होगी, जो फिनिशिंग आपकी अच्छी आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि वाइब्रेशन डेवलप होने पे ये दोनों चीज़ों की वैल्यू क्या हो जाएगी, आपकी कम हो जाएगी। ठीक है, तो ये था। अब हम डेप्थ ऑफ कट से रिलेटेड आपके कुछ न्यूमेरिकल्स हैं वो हम देख लेते हैं, वो आपके एग्जाम में कभी कभी पूछ लिए जाते हैं, तो चलिए देखते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि किसी शाफ्ट का डाया आपका यदि 50 mm है, यदि आपकी डेप्थ ऑफ कट 2.5 mm है, तो 4 कट के बाद ड्रॉप कितना डायमीटर होगा। तो सबसे पहले आप ये याद रखोगे कि कट की लंबाई अगर आपको निकालनी है कि एक कट में उसने कितनी लेंथ कवर की, तो उसका फॉर्मूला होता है डेप्थ ऑफ कट मल्टीप्लाई बाई 2। ठीक है, तो हम देख लेंगे कि एक कट में कितनी लंबाई कवर हुई आपकी, तो डेप्थ ऑफ कट आपको कितना दे रखा है, 2.5 मल्टीप्लाई 2 करोगे तो आप कितना हो जाएगा, 5 mm। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर कितने कट हैं, यानी 4 कट, तो एक कट में आपकी कितनी लंबाई कवर हो गई है, 5 mm, तो 4 कट में कितनी होगी, तो 4 कट में हो जाएगी 5 × 4 = 20 mm, यानी आपका 4 कट में 20 mm पूरा ये कवर कर लेगा। तो बचा हुआ डायमीटर निकालना है, तो टोटल आपका डायमीटर कितना था, 50, और इतना आपके कट के बाहर निकल गया, तो रिमेनिंग कितना हो जाएगा, तो 50 - 20 यानी 30 mm इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। यदि जॉब का डायमीटर 50 mm है, तो हम लिख लेते हैं कि जॉब का डायमीटर कितना है, 50 mm, तब 3 कट बाद इसका डायमीटर 35 mm है। अब आपने इसको, इसका रिमेनिंग, इसको D1 मतलब कि 30 जो अभी आपने निकाला, अब वो आपको ये दे रखा है 35 mm। अब आपसे क्या पूछ रहा है, डेप्थ ऑफ कट आपसे पूछ रहा है। ठीक है, और आपको कट भी पता है, तो पहले इसे करने का क्या है कि इसका पहले इन दोनों का डिफरेंस निकाल लेते हैं कि पहले आपका कितना डाया था और कटिंग होने के बाद आपका कितना बचा, तो इनमें अंतर कितना है आपका, 15 mm का। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे, हमें निकालना है आपका डेप्थ ऑफ कट। तो देखिए, 15 mm ये जो आपका कटिंग हुई है वो कितने कट में हुआ है, 3 कट में ना, तो 3 कट में आपका कितना निकला है, 15 mm, तो 1 कट में आपका कितना निकलेगा, 15/3 यानी 5 mm। ठीक है, अब आपको डेप्थ ऑफ कट निकालनी है, तो हमें पता है कि कट की लंबाई इक्वल क्या होता है, डेप्थ ऑफ कट मल्टीप्लाई बाई 2। ठीक है, आपको पता है कि एक कट की लंबाई कितनी है, 5 mm, तो यहाँ पे रखेंगे 5 = डेप्थ ऑफ कट अपॉन ये 2 इधर आ जाएगा, तो डेप्थ ऑफ कट कितना निकल आएगा, 2.5 mm। तो इस तरीके की से आपकी क्या होता है, डेप्थ ऑफ कट से क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं। चलिए, क्वेश्चन हम और सॉल्व करते हैं। देखिए क्या बोल रहा है, यदि किसी सॉलिड शाफ्ट जिसका डायमीटर डी है वो कितना है, 50 mm दे रखा है, यानी आपका डाया कितना दे रखा है, 50 mm। ठीक है, अब जो घट का कितना रह जाता है, 34 mm यानी 34 mm, इसको D1 कंसीडर करते हैं, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना हुआ, 16 mm यानी 16 mm की कटिंग हुई, उसका डेप्थ ऑफ कट आपको दे रखा है कितना, 2 mm, तो आपसे पूछ रहा है कितने कट लगेंगे। ठीक है, इसको भी हम निकाल लेंगे आराम से। देखिए, तो यहाँ पर ये आपका क्या दे रखा है, 16 mm, यानी ये आपका डिफरेंस है कटिंग में, इतनी आपकी कटिंग हुई 16 mm की, तो हम कर लेंगे, देखिए लेंथ निकाल लेंगे, तो DOC डेप्थ ऑफ कट मल्टीप्लाई बाई 2, तो अब आप एक कट की लंबाई निकाल सकते हो ना, डेप्थ ऑफ कट आपको दे रखा है 2, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4 mm। तो अब आपको पता है कि एक कट की लंबाई कितनी है, 4 mm। ठीक है, उसके बाद आपके टोटल कितना दे रखा है, 16 mm का अंतर है, तो कितने कट लगेंगे आप निकाल सकते हो, तो नंबर ऑफ कट, एक कट में 4 mm, अगर आपको 16 mm है तो इसका डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 × 4 = 16, यानी इसका आंसर हो जाएगा कि 4 कट, ये नंबर ऑफ कट आपके निकल आए। ठीक है, तो इस तरीके से आपके कुछ क्वेश्चंस इसी तरह से आपके कभी कभी एग्जाम में आते हैं। चलिए, आपको वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को थोड़ा शेयर कर दीजिएगा,
और आपके कमेंट्स बहुत इम्पॉर्टेंट रहते हैं, तो जो भी आपका फीडबैक है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। और इसका जो पीडीएफ है वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल, जो आप हमारा सबका चैनल है, उसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। थैंक यू सो मच।